इनके इन गुणों का भी मुरीद हो गया। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आज के इस कार्यक्रम में इतनी विशाल संख्या में, और इसके लिए स्वामी जी ने जब कार्यक्रम की रचना की थी तो स्वामी जी ने तब कहा था कि मैं आदरणीय राजनाथ सिंह जी को इस कार्यक्रम में शिलान्यास के लिए बुला रहा हूं, उनको मैंने निवेदन किया है और मैं घर घर जाकर लोगों को स्वयं निमंत्रित करूंगा, और उसका आज प्रतिफल यहां पर दिखाई दे रहा है। इतनी बड़ी विशाल संख्या में जो हमारे योग साधक, स्वयं सेवक, शिक्षकों तथा गुरुकुल में पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों का जो आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं, मैं देवभूमि उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते आप सभी का अपनी ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्राचीन गुरुकुल परंपरा को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसी को जाता है तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी और प्राचीन गुरुकुल के संस्थापक स्वामी दशरानंद जी। मैं इस अवसर पर भारत माँ के महान सचिव स्वामी दशरानंद सरस्वती जी, स्वामी दशरानंद जी, उनको भी अपनी भावांजलि अर्पित करता हूँ। देश भर में योग का प्रचार प्रसार करने वाले पतंजलि योगपीठ के 29वें स्थापना दिवस के अवसर पर पतंजलि योग परिवार के द्वारा विश्व के श्रेष्ठतम और विशालतम आज जो पतंजलि गुरुकुलम के शिलान्यास की भी, मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और श्रद्धे स्वामी रामदेव जी ने इस प्रकार से पतंजलि योगपीठ के माध्यम से विश्व में योग और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया है, उसी प्रकार पतंजलि गुरुकुलम भी शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी बदलाव का द्योतक बनेगा। जिस प्रकार महर्षि दधीचि के तप का उपयोग कर वज्र का निर्माण हुआ था, उसी प्रकार स्वामी रामदेव जी अपने संघर्ष से, तप से, योग से, प्राणायाम और अध्यात्म व स्वदेशी चिंतन के माध्यम से भारतीय शिक्षा की पताका को पूरे विश्व में फहरा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि पूज्य स्वामी जी के मार्गदर्शन में गुरुकुलम बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार देने का भी काम करेगा, जिससे आदर्श नागरिक के जीवन के हर क्षेत्र में अपना योगदान दे सकेंगे। भाइयों बहनों, आज जिसका यहाँ पर शिलान्यास हुआ है गुरुकुलम, वो अपने आप में एक विशिष्ट शब्द है, और गुरुकुल में गुरु अपने छात्रों को कुलवाहक मानकर उन्हें तैयार करते हैं तथा शिक्षित कर उन्हें आदर्श मनुष्य बनाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, साथ ही उनके जीवन के आगे आने वाली तमाम चुनौतियों के लिए उनको हर प्रकार से तैयार करने का काम करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में पतंजलि गुरुकुलम रूपी गंगोत्री से निकले हुए छात्र जो भारतीय शिक्षा पद्धति है उसकी धर्म ध्वजा को संपूर्ण विश्व के अंदर चारों ओर फहराने का कार्य करेंगे। मेरा मानना है कि व्यक्ति के निर्माण से राष्ट्र निर्माण संभव है, और पतंजलि गुरुकुलम का आज का इस शिलान्यास का शानदार समारोह इस मार्ग को, इस उद्देश्य को सार्थक करेगा। इस अवसर पर क्योंकि बहुत सारी बातें यहाँ पर हो रही हैं, हमने श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी का भी अभी उद्बोधन यहाँ पर होना है, मैं स्वामी जी से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि वैसे तो स्वामी जी सब बात हमारी मान लेते हैं और हम लोग भी स्वामी जी जो मार्ग बताते हैं उस मार्ग पर आगे चल देते हैं, कि यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एनसीसी भी अनिवार्य हो जाए, जिससे कि हमारा शास्त्र ज्ञान के साथ साथ शस्त्र ज्ञान की जो क्रांति परंपरा है उसको भी बल मिल सके। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार देश में पहली बार गुलामी की मानसिकता से देश को बाहर लाने का काम कर रही है। देश का परचम पूरी दुनिया के अंदर फैलाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हो रहा है। आज परिणाम आप सबके सामने है। अभी भाई मोहन यादव जी जब बोल रहे थे तो वो द्वापर की बात कर रहे थे, त्रेता युग की बात कर रहे थे, और मैं कहूंगा कि कलयुग के 5000 वर्ष बीत गए और बीच में द्वापर भी आ गया, उससे पहले त्रेता था, तो
त्रेता के बाद द्वापर और द्वापर के बाद कलयुग, कितने वर्ष हुए वहां भगवान राम पैदा हुए और पूरे उस समय के लोगों ने राम राज्य देखा, भगवान राम को देखा, अयोध्या को देखा और हम सबके सामने भी वो सारे वर्ष हटा दिए जाए जो द्वापर के हैं और कलयुग के हैं जो 5000 वर्ष बीत गए हैं। तो ये इस अवसर का साक्षी होने का अवसर अगर किसी ने प्रदान किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है। उनके नेतृत्व में 22 जनवरी को भगवान राम अपनी जन्मभूमि पर फिर से वहां पर उनकी स्थापना हो रही है, फिर से विराजमान हो रहे हैं और इसके साक्षी हम सब 22 जनवरी को बनेंगे। आज काशी में काशी का भव्य काशी और दिव्य काशी, बाबा विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर बनना हो या इस नगरी से हमारे आरणी मोहन यादव जी वहां से आए हैं, उज्जैन का महालोक या देवभूमि उत्तराखंड के अंदर बद्रीनाथ जी का पुनः निर्माण हो, मास्टर प्लान हो या केदारनाथ जी का नव निर्माण हो, हम सब जानते हैं 2013 की आपदा में पूरी तरह से वो परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था, या चार धाम और बदर जाने वाली सड़कें हो या ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो,